यीशु मसीह के नाम की जय। मैं एक बार आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हमेशा होती रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें रचा है। मनुष्य की संरचना इसलिए की गई ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर सके, क्योंकि ये मनुष्य की भी आवश्यकता थी कि उसे परमेश्वर की जरूरत है। और ना ही सिर्फ हम एक मनुष्य होने के नाते हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की आवश्यकता है, जबकि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे। और जो पुनरुत्थान की आज हम बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात, ये एक परमेश्वर की बड़ी योजना है। और इस ये जो योजना है, इस योजना की वजह ही ये है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य के साथ परमेश्वर का संबंध टूट जाए या मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ कुछ समय के लिए हो, या जब तक ये जीवन है तब तक परमेश्वर का संबंध मनुष्य के साथ हो। लेकिन ये जो पुनरुत्थान की बात आज हम करते हैं, ये इस योजना, ये हमें इस बात को दर्शाती है, ये हमें बार बार स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य का संबंध इस जीवन में परमेश्वर के साथ और इस जीवन के बाद भी परमेश्वर के साथ बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जानना उतना ही आसान हो जाता है। आज से कुछ वर्ष पहले, सन 2002 से पहले, मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि पुनरुत्थान क्या होता है। मैं नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुमारी स्त्री से हुआ। मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया। ये तीनों ही बातें जो परमेश्वर में बहुत विशेष है, परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह से संबंधित ये तीन बातें एक मनुष्य के जीवन में जानना अति आवश्यक है। और ये तीनों ही बातें मेरे जीवन से ओझल थी, मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मुझे प्रभु यीशु मसीह का साक्षात्कार हुआ, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में जाना, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को समझा, और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, तो मेरी जीवन का जो दृष्टिकोण था, जो मेरी सोच थी जीवन के प्रति, वो बदल गई। एक साधारण मनुष्य क्या सोचता है कि बस हमें इस जीवन में खाना पीना है, अपने बच्चों को बड़ा करना है, अच्छा धन कमाना है, कुछ भविष्य के लिए जोड़ना है और इस संसार से एक दिन चले जाना है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर जो आपकी सृष्टि करता है, उनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के रास्ते पे चले। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन की जो सबसे उत्तम बात है उसको जानें। और मेरे जीवन की जो सबसे उत्तम बात मैंने अपने जीवन में जानी, वो था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और मैं विश्वास करती हूँ एक मनुष्य होने के नाते कि एक मनुष्य के जीवन में उसके सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो प्रभु यीशु मसीह को जानना कि वही जीवित परमेश्वर है। संसारिक लोग कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में होके मैं कहती हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को जानना है कि वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। बिना उसको जाने जीवन में उद्धार नहीं है। मैंने बहुत से जप तप किए, बहुत से अनुष्ठान किए, बहुत से यज्ञ किए, हवन किए,
लेकिन कभी भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं जांच पाई, कभी परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर के डर को अनुभव किया। सोचती थी कि परमेश्वर बड़ा भयानक है, कभी अगर मैंने कोई व्रत नहीं रखा, कभी अगर मैंने कोई त्योहार नहीं मनाया तो मुझे कुछ गलत हो जाएगा। ये डर हमेशा मेरे जीवन में मेरे साथ बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैंने सच्चे परमेश्वर को वचन से जाना, जब मैंने सच्चे परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह की चरित्र से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से समझना शुरू किया, तो मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। तो मुझे सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हुआ कि वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तो मेरा डर मेरे जीवन से चला गया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में उतर गया। और यही एकमात्र सत्य है जीवन का, जो मैं आज आपके साथ यहां बांटती हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी बालिका थी, करीब 12 वर्ष की, तो मैं अपने आसपास पड़ोसियों को देखती थी कि सब सूरज को जल चढ़ाते हैं और कुछ महिलाएं चांद को भी जल चढ़ाती हैं। और मैं देखती थी और बचपन से देख करके मैंने ये सीख लिया कि हमें इनको जल चढ़ाना है, और मैं भी जल चढ़ाती थी। लेकिन मैं धीरे धीरे जब भी बड़ी होती गई, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैंने पढ़ा कि ये गुरुत्वाकर्षण भी तो कोई चीज़ है, इसीलिए तो जल हम जब चढ़ाते हैं तो चांद तक नहीं पहुँचता, सूरज तक नहीं पहुँचता, ये वापस पलट के पृथ्वी पर आ जाता है। ये क्यों नहीं पहुँचता? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण हमारी मेरी इस सोच से बहुत बड़ा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का समाचार मुझे मिला, तो मेरी सोच जीवन, मेरा जो दृष्टिकोण था जीवन के प्रति बदल गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से बढ़ के गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आसमान में उठाए जा रहे थे, उस समय वहां पर गुरुत्वाकर्षण ने काम नहीं किया। वहां पे परमेश्वर की जो योजना थी वो सबसे बड़ी थी। वो परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो किसी बंधन में, किसी कानून में और किसी मनुष्य की सोच में बंध नहीं सकता, क्योंकि वो विराट, वो सृष्टि करता है। हम बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हम माता पिता की सोच तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी जप तप कर लें, लेकिन जो परमेश्वर की सोच है उसे समझने के लिए एक माता और पिता का हृदय चाहिए। आवश्यक है प्रत्येक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जानना, ये बहुत आवश्यक है। और पुनरुत्थान का जो समाचार है, ये एक मनुष्य की गहरी आवश्यकता है। जब मैं थोड़ा वचन में बढ़ रही थी, परमेश्वर में बढ़ रही थी, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को समझ रही थी, तो मैंने देखा एक कहानी कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन मरे लाजर को जिंदा कर दिया। आवाज लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन मरे लाजर को जीवित कर दिया। और मेरे लिए बड़े अद्भुत था विश्वास करना। लेकिन जब मैं इतिहास में गई, मैंने उसको और स्टडी किया, मनन किया, तो मैंने पाया कि ये सत्य है। जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी बात को जांचते हैं, तो वो आवश्यक है कि आप उसको माने कि वो सत्य है। जब मैंने ताजमहल नहीं देखा था, मेरा जन्म कानपुर शहर का है, और जब मैंने ताजमहल नहीं देखा था, तो मैं सोचती थी कि उसके विषय में सिर्फ विचार करती थी, सोचती थी, पढ़ती थी। लेकिन जब मैं आगरा शिफ्ट हो गई और मैंने एक दिन ताजमहल को अपने आमने सामने देखा, तो मेरा मन और मेरा जो मस्तिष्क है वो इस पे विश्वास करने पे मजबूर हो गया कि ताजमहल अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। तो आवश्यक है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुन रहे हो, आज आपको पहली बार पता लग रहा हो कि पुनरुत्थान क्या विषय है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि लाजर तो
जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह की आवाज से, लेकिन दोबारा मिट्टी में मिल गया, क्योंकि वो क्योंकि ये जीवन का सत्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हुए वो आसमान में उठा लिए गए, और इस विश्वास के साथ कि वो न्याय करने आएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जीवन बहुत गंभीर विषय है, परमेश्वर उससे भी गंभीर विषय है। एक मनुष्य के जीवन में मनुष्य के साथ परमेश्वर का संबंध सिर्फ इस जीवन भर का नहीं, इस जीवन के बाद का भी है, और जीवन के बाद परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध कायम रह सके उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना अति आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह में को जाने और बढ़े, यही जीवन का सत्य है। आप सभी को जय मसीह की।